में हैज द कास्टिंग प्रोसेस चेंज इन एनी वे यस सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया था हाँ. अब वो उसके ऊपर ज्यादा बेस शायद हो And जाता है a, या पता a, पता नहीं मुझे, या मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं है पता नहीं इट्स समवेयर इन बिटवीन नहीं थोड़ा बहुत मेरा सवाल क्लीशे भी है इसलिए कि मुझे याद है कि कुछ साल पहले आपने इंटरव्यू दिया था और उसमें ये बड़े आपने वाजे तौर पे बात की थी दैट यू नो एक किस्म के लोग जो है उनको कास्ट किया जाता है फॉर लीड्स mm -hmm. mm -hmm. और अब तो बहुत ज्यादा वाज़े हैं फॉर फीमेल लीड्स यू नो कि सर्टेन प्रोटोटाइप mm -hmm. है उसमें फिट mm -hmm. हो जाए तो आप जबरदस्त है और आपने पहले भी ये कहा था खुद ही कि यू नो बीइंग डार्क स्किन फॉर एग्जांपल हैज गॉन अगेंस्ट योर फेवर बट आई फील दैट्स चेंज नाउ इज दैट हैज इट बिल्कुल चेंज हो गया हाँ। बिल्कुल चेंज हो गया बिल्कुल बिल्कुल ऐसा अब कहीं आपको ना कहने में ना सुनने में ना या कहीं किसी से कहलवाया जाता है कि थोड़ा सा वो मेकअप टाइप बात ये सिचुएशन है है तो हाँ। तो नहीं है हाँ। और ये ग्लोबल लेवल पे डिस्कशन हुए हैं जिसकी वजह से उसका इम्पेक्ट यहाँ पर भी है हाँ। और जो अच्छी बात है बिल्कुल इस पे नहीं होना चाहिए खूबसूरती आ, किसको कहते हैं मेरी तो ये हमेशा सवाल हमेशा रहा खूबसूरती कहते हैं किसको है आ, गोरा कॉम्प्लेक्स को खूबसूरती नहीं कहते खूबसूरती सिमेट्री को कहते हैं या अगर अगर आपके चेहरे की या बॉडी की प्रोपोर्शन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं बेशक वो सिमिलर नहीं भी हैं कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं दैट्स ब्यूटी एंड ऑफ स्टोरी या पढ़ लेते हैं और हम सारे मिलके आएंगे खूबसूरती किसको कैसे कहते हैं लेकिन अगर मुस्तकिल ये चीज जहन में रखना वो तो मुनासिब गैर मुनासिब बात है हाँ अगर कहानी ही ये है और हम यही दिखाने जा रहे हैं कि एक रंग कम है या रंग गोरा है तो उस पर मैं नहीं कुछ कमेंट करूंगा लेकिन अदरवाइज अब ऐसा नहीं है लेटली तो दिल तक तो था जी दिल तक तक अनफॉर्चुनेटली था पिछले दो ढाई साल में बिकॉज वो बेचारा सभी जो था वो इतना नेक आदमी था इतना अच्छा वो बेटा भी और इतना अच्छा कजन हर चीज़ मगर सिर्फ उसका रंग सांवला होने पे उसको कहा कि इसके साथ तो हम रिश्ता करना ही नहीं चाहते थे मेरा तो था भी ना वो लवली लवली स्क्रीम और क्रीमें लगा के मैं खड़ा हुआ था वो मैं सीन भी किया था तो आई एंजॉयड दैट हां चलो बट क्योंकि मेरे दोस्त करते रहे हां मैं उनकी शक्ल देखता था कि यार तुम नहीं नहीं यार बहुत मैं बाइक पे आता हूं तो मेरा तो ये है हमारे लोगों में के

नहीं भी है और हाँ। आपको दो घंटे रहना है बाहर देन में भी या सर्फिंग करनी है आपको हम तो वैसे ही सूरज में नहीं निकल रहे है भाई हाँ। सुबह नौ आठ बजे का सूरज इट्स वेरी आपको जरूरी है सनलाइट में आंखें खोलें धूप में जाएं घास में बैठे हमने छोड़ दिया हाँ। पता नहीं हमने कब से नंगे पैर नहीं चले होंगे घास के ऊपर या जमीन पे जूता जूता चप्पल चप्पल जूता एंड नो सन नॉट गुड तो उस पर कुछ ना लगाएं hmm. वैसे जाएं थोड़ी देर हाँ अब आपको सारा दिन रहना है धूप में मे बी देन मैं तब भी नहीं लगाता नहीं लगाते hmm. चलिए फिटनेस पे आ जाएं थोड़ा सा जी। आपने ये फिट भी बहुत रखा हुआ है अपने आप को एंड यू नो अब हमारे माशाल्लाह से एक्टर्स जनरली जनरली दे आर वेरी लाइक कॉन्शियस अबाउट हां द जिमिंग एंड द रूटीन एवरीथिंग आपको एक्सेप्शनल कुछ तो जीन्स हैं ये आ, नहीं, नहीं मैं <laughs> मैं करता हूँ वर्कआउट हाँ। एवरी डे मेरा कुछ ना कुछ होता है कुछ ना कुछ मुझे करना है और उसका रीजन चले ठीक है विजुअली जैसा भी है वो मोटिवेशन है वो, भी मोटिवेशन भी, है हाँ। वो हाँ। बट मेरी मोटिवेशन परफॉर्मेंस ज्यादा है कि मुझे अपनी डेली लाइफ में आ ऊ ई टू नी फील करना कि अच्छा जी सीढ़ियाँ दस फ्लोर हैं अभी भी आ जाएं चलें

का वर्कआउट और सारी चीजें और सब, सब सब सपोर्ट कर रहा था मुझे तो वो एक एक्टर को तो तैयार रहना चाहिए अक्सर शूट पे हम लोगों को 24 घंटे भी काम करना होता है तो ये कैसे होगा मुमकिन कि आपकी तबियतें खराब ना हो ब्लड प्रेशर शूट ना हो और कभी कुछ भी खाना खाना पड़ता है तो है आपको तैयार रहना पड़ेगा

Uh, माँ बाप की परवरिश, खास खासतौर पर माओ की परवरिश और वो सब रिफ्लेक्ट करता है वो वो दोनों ही सोल्स बहुत अच्छे हैं हम एज यू नो इंडिविजुअल अगर आमना से एक पॉइंट पे जाके जो भी वो हुआ जो भी सिचुएशन है वो हमारा पर्सनल वो है कि जी ये दो लोगों के क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं लेकिन इंसान बहुत कमाल वो एंड सेम फॉर सनम कि वो इंसान बहुत तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ मैं ये कहूँगा कि शायद uh, मेरी माँ की तरफ से 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 ये भी मेरे अंदर है है कि यू यू नो नो मैं मैं उनको आई आई होप अच्छी अच्छी तरह से, you know, रख सकूं और अच्छी तरह रख और 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 उनके साथ उनकी ज़िंदगी का बन तो hmm. तो बस यही रियली लकी 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 वे बहुत, बहुत सनम का आपका काफी चीजें ऐसे लगता है जैसे कि अंग्रेजी जो है वो आप इकट्ठा मतलब है उर्दू में से कहता हूं अंग्रेजी वैसे कहता हूं <laughs> ये अच्छा है ये बड़ा बड़ा जबरदस्त है कि, you know? तो ये कि यू नो यार यही होता है ना कंपेनियनशिप के एक दूसरे की जो भी कमी बेशी है वो पूरी कर रहे हैं यू नो उस तरीके से आगे कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ऊपर से मोहम्मद वाज आल्सो वेरी एडमिरेबल द वे दैट दिस एंटायर थिंग अनफोल्डेड बिकॉज़ आजकल हम सेलिब्रिटी रिलेशनशिप्स और मैरिजेस एंड डिवोर्सेस किसी की तालाब का पता भी नहीं था लेकिन अगली शादी का पता चल गया तो so, like हमारा कभी से वो अभी भी नहीं है दोनों का ही इंडिविजुअली भी नहीं है ना घर वालों का किसी का भी नहीं है हाँ. के जी, पूरी बिल्कुल इज इट फन वर्किंग विद द स्पाउस आपने बचाना इकट्ठा किया फिर आपने सनम के साथ इशरत आपने इकट्ठे किया असल एक... में सनम को मैं हंसाता रहता हूं हंसती रहती है तो <laughs> वो

पैनामा में मुझे याद है इसलिए मुझे याद रहता है कि मेरा बैक चोरी हो गया था उस शूट, <laughs> उस शूट से हाँ वो बड़ी बुरी हाँ। मेमोरी है फिराक मुझे याद है दीदन वाज uh, दीदन दीदन, हाँ, दीदन फिराक और इशरत बचाना इशरत बचाना चार प्रोजेक्ट हुए और क्या किया बस ये किया yeah. हाँ. तो जो सेलिब्रिटी कपल्स होते हैं जो दोनों एक्टर्स हों तो उनका जो टाइम है